मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने गृह जिले जशपुर में पीएम जनधन योजना में शामिल होने के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के तैलचित्र पर दीप प्रज्वलित और माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री जनधन योजना के उद्देश्य बताए और इसे अनुसूचित जनजाति वर्ग के विकास की बात कही। बोले भारत माता की, भारत माता की। थोड़ा जोर से प्रधानमंत्री जी से बात किए हैं, है ना? छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज माँ खुड़िया रानी की पावन भूमि बगीचा में प्रधानमंत्री जनमन योजना के इस कार्यक्रम में हम लोगों के बीच उपस्थित इस क्षेत्र की विधायक महोदया श्रीमती रायगुनी भगत जी, पत्थलगांव की विधायक महोदया श्रीमती गोमती साई जी, जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सुनील गुप्ता जी, हमारे सरगुजा संभाग के कमिश्नर श्री चुरेन जी, आईजी साहब, जशपुर जिला के कलेक्टर डॉक्टर रवि मित्तल जी, एसपी, महिला बाल विकास की सेक्रेटरी श्रीमती समी आब्दी जी, हमारे जिले के सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण। और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस क्षेत्र के सभी सज्जनवृंद, और आज के सबसे बड़े हीरो हीरोइन मन कुमारी बाई जी, और इस देश के भविष्य हमारे स्टूडेंट्स और मीडिया के मित्रों, कल ही हम लोग मकर संक्रांति मनाए और मकर संक्रांति को देश में अलग अलग नाम से भी मनाते हैं, कहीं पोंगल, कहीं लोहड़ी। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले मकर संक्रांति, लोहड़ी, पोंगल की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आज प्रधानमंत्री जनमन योजना के इस सुंदर और सफल कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं जिला प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आयोजनकर्ता जितने भी हैं उनको धन्यवाद करता हूं। और मन कुमारी बाई जो ग्राम कुटमा की रहने वाली है, पहाड़ी कोरवा परिवार से हैं, और आज सबसे पहले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से सीधा उनका वार्तालाप हुआ, और बड़े निर्भीक निडर होकर उन्होंने प्रधानमंत्री जी से बात किया। इसके लिए उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री का दायित्व संभालने के बाद पहली बार आप लोगों के बीच में हमारा आना हुआ है, और इसलिए मैं आप सभी का भी धन्यवाद ज्ञापन करूंगा। आप सब लोगों के आशीर्वाद से एक छोटे से गांव के छोटे से एक कार्यकर्ता को आज छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश का मुखिया का दायित्व तो मिला है। आप सभी को पता तो हो गया होगा
कि आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो योजना बनाते हैं उसके पीछे भी पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि योजना बना दिए और वो खाली मीडिया और समाचार पत्रों तक ही रह जाए, उसके पीछे भी पड़ते हैं, लगातार मॉनिटरिंग करते हैं और उस योजना का लाभ पात्र व्यक्तियों तक, जरूरतमंदों तक पहुंचे, इसके लिए बहुत उनकी निगरानी भी रहती है। और उनका ध्येय वाक्य है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। आदरणीय मोदी जी के साथ 14 से लेकर 19 पांच साल काम करने का हमको भी सौभाग्य मिला राजमंत्री के नाते, और उन्होंने पहली बार जब इस देश के पार्लियामेंट में प्रवेश किए और पहला उनका उद्बोधन था तो उनका इस संकल्प था कि मेरी ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार रहेगी। और आप लोगों ने देखा होगा कि 14 से लेकर 19